सो आज का टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। अब व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, आयंस। एक एटम आयन में कब कन्वर्ट होता है? जब या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे। तो आयनिक बॉन्ड भी वही है, आयन से बॉन्ड निकला हुआ है। तो इफ द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉनों को गेन करे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब ये किस किसके दरमियान होगा? फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता हो दैट द गिवन एलिमेंट इज मेटल आर नॉन मेटल। अब इसके लिए हिंट्स क्या है, इस साइड पे इंफॉर्मेशन है लिखी हुई। मेटल क्या होगा? मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 1 है, 2 है या 3 है, तो वो होगा मेटल। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5, 6, 7, तो दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज मेटल एंड विच एलिमेंट इज नॉन मेटल। अब ये जो रूल्स है, दो एटम्स इनको फॉलो नहीं करते, उसमें एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट दीज आर नॉन मेटल्स, क्योंकि ये गैसेस हैं और गैसेस कभी मेटल्स नहीं होते। इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इन दो रूल्स को फॉलो करते हैं। सो अब मेन पॉइंट्स आयनिक बॉन्ड के, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म कैटायन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और फिर हम उसे कहते हैं कैटायन। नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म एनायन। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं, एंड देन दैट इज कॉल्ड एनायन। अब केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। केटायन के ऊपर पॉजिटिव है और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शन को, जो कि अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से हो, उसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड को जब हम बनाएंगे तो उसमें कितने स्टेप्स है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करें, उनके वैलेंस शेल देखोगे। मेटल के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के वैलेंस शेल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल गेन करेगा, तो आप मेटल से एरो लेके जाएंगे नॉन मेटल की तरफ। ठीक है, मेटल क्या करेगा? ऊपर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक्स ये कोई भी नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, 3 लूज करेगा तो +3, हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके ऊपर -y, ये कोई भी नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, 2 गेन करेगा तो -2, 3 गेन करेगा तो -3। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आयनिक बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों मेटल्स लूंगा तब भी आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता, अगर मैं दोनों नॉन मेटल्स लूंगा तब भी आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन है, एक मेटल हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, दूसरा नॉन मेटल हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। अब हम कुछ एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे।
चाय भी पी लिया करें। नेक्स्ट, अब बांध मैंने बनाना है बिटवीन सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11 एंड क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने बांड बनाना है बिटवीन लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3 एंड ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर आपको गिवन होंगे, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ताकि मुझे पता चले कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल है। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ये मेटल है, क्यों मेटल है, मेटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 1 है, तो सोडियम इज मेटल। व्हाट अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है। इसे कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो क्लोरीन है वो है नॉन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल। मैं एक एटम के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से, सो दिस इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अब एरो लगाएंगे मेटल से नॉन मेटल की तरफ। अच्छा, मेटल से नॉन मेटल की तरफ क्यों, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने लूज करेगा, जितने उसके वैलेंस शेल में, सोडियम के वैलेंस शेल में कितने, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैं दोबारा, ये सोडियम है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 1 ही, 1 लूज करेगा। अब ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, जब ये, अब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज उसके ऊपर होता है पॉजिटिव ये बना कैटायन, तो मेटल से हमेशा कैटायन बनता। ये वो 1 इलेक्ट्रॉन है जो इसने लूज कर दिया, अब इसका जो लास्ट शेल है वो खत्म हो गया। इधर 3 शेल थे, इधर 2 है, क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन था, ये सोडियम और ये सोडियम कैटायन है, उसके ऊपर प्लस पर चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लोरीन एटम है, ये क्या करेगा, ये मैं लिख देता हूं, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जो सोडियम ने लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में पहले कितने, 7, थर्ड में 8 आ, इसके मतलब इसको 1 और चाहिए। ये इसका फर्स्ट शेल है, अब ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल में 7 इसके अपने इलेक्ट्रॉन, तो 7 में क्रॉस लगाऊंगा, 1 में डॉट लगाऊंगा, 1 डॉट क्यों, ये इलेक्ट्रॉन आए सोडियम से और सोडियम को मैं शो कर रहा हूं डॉट से, इसके ऊपर चार्ज आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, 1, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन उसके ऊपर कहते हैं -1। अब ये दोनों को इकट्ठा लिख दो, ये सोडियम कैटायन है जिसके ऊपर +1 चार्ज है और ये क्लोरीन एनायन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को आप नीचे लाएं, बस कोई चेंजेस हमने नहीं करनी, ये इसके ऊपर आ गया -1। 1 आप लगाए न लगाए, ठीक है।
ये बना NaCl। अब हम देखते हैं लिथियम और ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें, आपको पता चले मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा, लिथियम। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और टोटल तीन इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये है लिथियम। इस तरह ऑक्सीजन, इसको मैं क्रॉस से शो कर देता हूं, टोटल एट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में दो और सेकंड में सिक्स इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है। अब ये मेटल है, क्यों मेटल है, तीन से कम इलेक्ट्रॉन है, एक है ना, इसके वैलेंस में कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मोर देन थ्री, नॉन मेटल। अब मेटल से नॉन मेटल की तरफ एरो लगाएं। अब यहां पे एक कंफ्यूजन, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एट, और कितने चाहिए, तो ऑक्सीजन को चाहिए, इट नीड्स टू इलेक्ट्रॉन्स ताकि एट हो जाए, क्योंकि बॉन्डिंग का मतलब है कि एक एटम अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा, या लिथियम कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए दो। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर वहां इक्वल थे, एक सोडियम ने लूज किया था, एक क्लोरीन ने गेन किया था, यहां सोडियम लिथियम एक लूज करेगा लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए दो, हम क्या करेंगे, हम लिथियम के दो एटम्स लेंगे, क्यों, लिथियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो दो एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो मैं लिथियम दो बार लिख देता हूं, ये है लिथियम इस क्रॉस से, ये एक लिथियम एटम हो गया, दूसरा लिथियम शो करते हैं, ऑक्सीजन एक बार, ऑक्सीजन को ये दो डॉट्स, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों से एरोज लगाएंगे, ये लिथियम है, ये भी लिथियम है, ये ऑक्सीजन है। लिथियम मैंने दो बार क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए दो इलेक्ट्रॉन और एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे क्या होगा, ये एक लिथियम है, ये लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका वैलेंस शेल खत्म हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक, तो इसके ऊपर आएगा प्लस वन, ये एक लिथियम है, और अब इसके ऊपर चार्ज, ये वो एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने लूज किया, ये है एल आई प्लस वन। मैं एक लिथियम और लूंगा, ये ऊपर आपको मैं बार बार बता चुका हूं, शेल में ये एक और लिथियम है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके ऊपर भी आएगा प्लस वन चार्ज, ये है लिथियम, और ये वो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ई माइनस या इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है, ठीक है। ऑक्सीजन को मैं एक बार लेता हूं क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अकेले एडजस्ट कर देगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, ये क्या करेगा, इट विल गेन टू इलेक्ट्रॉन, यहां आप लिखेंगे तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगी, ना लिखेंगे तब भी ठीक है, दो मैं इसमें क्रॉस लगाऊंगा क्योंकि मैं लिथियम को मैं शो कर रहा हूं क्रॉस से, इसके ऊपर चार्ज किया गया टू माइनस, अब इनको कंबाइन करके लिख ले, ये एक लिथियम, लिथियम आयन, ये दूसरा लिथियम आयन, प्लस वन, वन आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे इट्स ओके, बहुत बार ओके, और एक ऑक्सीजन है, फर्स्ट में दो, ये ठीक है, ये क्या बना, ये बना लिथियम और ऑक्सीजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड, यहां के बार बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, कि आपने नंबर ऑफ एटम्स कब बढ़ाने होते हैं, जब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो तो फिर आप एक एक एटम दे दें, जब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो तो फिर आप उस हिसाब से एटम्स को एडजस्ट करें,
ठीक है, तो यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ एटम इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन आर नॉट इक्वल। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर लॉस एंड गेन दोज आर इक्वल, तो आप एक एक एटम ले ले, दैट्स ओके। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट। अब हम जरा ये कर लेते हैं, अब नेक्स्ट ये है कि कभी कभी आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन है, हाउ टू फॉर्म कैटाइन एंड एनायन। सिर्फ कैटाइन बनाओ, सिर्फ एनायन बनाओ, बुक में आपके क्वेश्चन है, पूरा बांड बनाओ, आपको एलिमेंट्स गिवन है, तो इसके लिए हैंड्स किया है, सबसे पहले आपने एलिमेंट्स को देखना है। अगर तो वो एलिमेंट क्या है, अगर वो मेटल है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बनाएगा कैटायन। कैटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिव आयंस। इस तरह अगर कोई एलिमेंट नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का मतलब है दैट विल गेन इलेक्ट्रॉन, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बनाएगा एनायन। वेरी सिंपल, यानी अगर मैं सिर्फ, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स हैं, हम चेंज कर लेते एलिमेंट्स, मैग्नीशियम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर मेरे साथ लिख दूंगा, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, मैं लेता हूं फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर है 9, एक और हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 7, और हम सल्फर ले लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 16। ये एलिमेंट हमें गिवन है, और क्वेश्चन है कि जी आप या तो कैटायन करें या एनायन, तो ये हमारी मर्जी नहीं है, तो तभी लिखे करेंगे डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम टोटल इलेक्ट्रॉन है 12, यहां मैं लिखता हूं मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, इन सर्कल द बैलेंस शेल, मुझे एक बैलेंस शेल से मतलब है, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 का मतलब है कि ये है मेटल। ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई चीज मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने लूज करेगा, इसके बैलेंस शेल में कितने है, 2, तो इट विल लूज, या मैं लिख भी लेता हूं इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2+, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसने लूज किए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका वैलेंस शेल खत्म हो गया, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 1s2 2s2 2p6 F9 फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 9, डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9। अब इसके वैलेंस शेल को इनसर्कल करें, वैलेंस शेल में 7 है, इसका मतलब है ये है नॉन मेटल, 3 से ज्यादा है। अब इसके सेकेंड शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, और कितने चाहिए, 1, 8 करने, तो इट विल गेन, यहां मैं लिख देता हूं इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी 7 है, 1 आ गया तो 8, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 9 पहले से थे, 1 इसने गेन किया, इसके ऊपर चार्ज आएगा -1, अब इलेक्ट्रॉन इसके 10 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 एंड नाउ 2p6। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फर्स्ट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, वैलेंस शेल को अंडरलाइन करें, या वैलेंस शेल में क्या लिखा है, 5 का मतलब क्या है, ये है नॉन मेटल, नॉन मेटल है तो इसका मतलब है ये बनाएगा एनायन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने गेन करेगा, जितने इसको चाहिए वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑलरेडी कितने
सेकेंड सिलेंडर कितना सकते हैं एट, इसका मतलब है तीन और चाहिए, तो इट विल गेन थ्री इलेक्ट्रॉन, पांच या तीन और गेन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन सात पहले से थे, तीन इसने गेन किए तो इसके ऊपर आएगा थ्री माइनस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, सात पहले से थे तीन गेन के कितने दस, तो दस इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेंगे, वन इज टू, टू इज टू एंड टू पी सिक्स। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, डू द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, वन इज टू, टू इज टू, टू पी सिक्स, थ्री इज टू, थ्री पी फोर, इन सर्कल द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू प्लस फोर सिक्स, तीन से ज्यादा है, नॉन मेटल। अब अगर ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है, कितने गेन करेगा, जितने उसके वैलेंस शेल में कम होंगे, ऑलरेडी कितने सिक्स, थर्ड शेल में एट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका मतलब है और कितने चाहिए दो, सो इट विल गेन टू इलेक्ट्रॉन, विल गेन टू इलेक्ट्रॉन, दो गेन करेगा, दो गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा टू माइनस, इसके इलेक्ट्रॉन पहले 16 थे, दो गेन कर लिए कितने हो गए 18, अब आप 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेंगे, वन इज टू, टू इज टू, टू पी सिक्स, थ्री इज टू एंड थ्री पी सिक्स। तो ये हमने प्रैक्टिस की कि अगर आपने सिर्फ कैटायंस और एनायन बनाना हो तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे, अगर वो मेटल है तो वह इलेक्ट्रॉन यूज करके एक एटायन बनाएगा, और अगर वो नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाएगा। दिस इज अगर आपने पूरा आयनिक बांड न बनाना हो, पेपर्स में ये भी आता है कि आप सिर्फ कैटायन या सिर्फ एनायन बनाए, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट, सो वी हैव डन आयनिक बांड, वी हैव डन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायंस। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन अपने सेंड कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।